हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सिंह बाड़ी। आज का टॉपिक है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल और एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट किस वीक के अंदर कितना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम कब होता है, सबसे ज्यादा कब होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है, यानी बनना कब शुरू होता है, किडनी कब प्रोसेस करना अपना स्टार्ट करना शुरू कर देती है, सबसे कम कब स्टार्ट होता है और सबसे ज्यादा कब होता है, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर कितना होता है, प्री टर्म के अंदर या टर्म के अंदर कितना होता है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का डेवलपमेंट। सबसे पहले जब 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है, 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के समय जो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर दो पार्ट होते हैं, मैटरनल और जो फीटल का पार्ट। तो फीटल के अंदर जो 80% पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर जो अगर 98% या 99% है तो किडनी इन्वॉल्व होती है, और किडनी के अंदर यूरिन, यानी ऐसे देखें तो यूरिन जो होता है जो मोस्टली एमनियोटिक फ्लूइड का पार्ट है। तो 10 वीक के अंदर लगभग 30 ml यूरिन पास करती है किडनी। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले तो ये होता है 12 वीक, तो नर्सिंग के अंदर हम प्रायोरिटी देते हैं 12 वीक को, और ये होता है लगभग 50 ml। और ये काम क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड का काम करता है। क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड। और यही आगे बढ़ के जब 16 वीक होता है, 16 वीक एमनियोसिनथेसिस का जो हम प्रोसेस करते हैं वो करते हैं 16 टू 18 वीक के अंदर, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल पहले कम था, लेकिन उसके बाद 16 और 18 वीक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा और उसके कारण हम एमनियोसिनथेसिस इजीली कर सकते हैं और क्रोमोसोमल डिफेक्ट देख सकते हैं। तो 16 वीक के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होगा वो होगा 200 ml तक एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल हो जाएगा। आगे होती है 20 वीक में पहुंचते एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होगा वो होगा 400 ml, और ये जब डबल हो जाता है ये होता है लगभग 32 वीक के अंदर, यानी 8 मंथ के अंदर ये लगभग ये लेवल बढ़ जाता है और बन जाता है हमारा 800 ml। और अगर इसकी 8वें महीने में तो ये 800 ml है, 9वें महीने में अगर बात करें 36 वीक के अंदर ये हो जाता लगभग 100 ml। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए क्वेश्चन सबसे कम लेवल कब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, ये होता है लगभग 10 वीक के अंदर 30 ml। और नर्सिंग में अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले किडनी अपना फंक्शन कब स्टार्ट करती है, तो ये 12 वीक के अंदर स्टार्ट करती है और 50 ml यूरिन पास आउट करती है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम करता है। और इस तरीके से लेवल, और सबसे ज्यादा कब होता है, सबसे ज्यादा होता है 36 वीक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सबसे ज्यादा होता है, और ये होता है लगभग 100 ml। अब ये पहुंचते पहुंचते आ जाता है हमारा 40 वीक के, ये पहुंचते पहुंचते ये हो जाता है हमारा लगभग वापिस घटना शुरू हो जाता है 800 से 1000। 40 वीक के अंदर ये 800 से 1000, और ये सीधे कम होता है, और ये लगभग 40 के अंदर देखें 42 के अंदर देखें तो ये हो जाता है लगभग 200 से 250 ml तक। अगर पोस्ट मैच्योरिटी की बात करें, यानी लगभग 44 वीक के अंदर ये हो जाता है लगभग 150 ml। यानी अगर हम प्री टर्म की बात करें या टर्म की बात करें, कि टर्म जो बेबी होता है नॉर्मल बेबी, जो टर्म बेबी होगा उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें वो होता है लगभग 600 से 800 ml, और एक सिंगल रेशियो सिंगल में पूछा जाता 600 ml, ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल। 10 वीक के अंदर 30 ml, 12 वीक के अंदर 50 ml, 16 वीक के अंदर 200 ml, और 12 वीक के अंदर बहुत सारे प्रोसेस किडनी स्टार्ट होती है, उसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन का बनना, इंसुलिन का बनना या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, और जो हार्मोनल चेंजेस होता है या जो जो गैसेस एक्सचेंज जो शुरू होता है वो कब होता है, 12 वीक के दौरान। 20 वीक में 400 ml, और 20 वीक के समय जो लेनो को एरिया पूरी बॉडी के ऊपर कवर हो जाते हैं। 32 वीक के दौरान ये होता है 800 ml, और 36
वीक, 36 वीक के अंदर अगर जैसे देखें लेसिजिन और स्पिंगोमाइलिन, स्पिंगोमाइलिन और लेसिजिन जो सर्फेक्टेंट का काम करते हैं, ये भी इसका भी रेशियो 2:1 हो जाता है। और उसके साथ साथ में जो वन स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटल कैविटी के अंदर एक डेस्टिस भी डिसेंड करता है। और 36 वीक के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कब होता है, 36 वीक के अंदर। बाद में आता है 40 वीक के अंदर, 40 वीक के अंदर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 800 से 1000। और सिंगल के अंदर पूछे तो लगभग 800 तक इसका लेवल पहुंच जाएगा। और जो नॉर्मल टर्म में भी होता है वो होता है 37 से लेके 42 वीक का। तो ये टर्म का जो लेवल होता है, टर्म में भी के अंदर 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, और सिंगल में बात करें तो 600 ml। लेकिन जब ये 44 वीक का होगा तो लगभग इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल बन जाएगा वो होगा 150 ml, यानी 150 ml ही रह जाएगा पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर। 37 से पहले होगा वो होगा प्री टर्म, 44 के बाद जो बेबी होगा वो होगा पोस्ट टर्म, इन दोनों के बीच में होगा वो होगा टर्म बेबी। प्री टर्म के अंदर भी 37 से पहले और 22 वीक के बाद में, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वो कौन सा होगा प्री टर्म, और 22 से पहले वाला एबॉर्शन में माना जाएगा। ये होता है क्वेश्चन इसके एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल। और इसके अंदर जो मेनली हेल्प करती है वो पार्ट होता है किडनी, और फिटिस के अंदर दूसरा देखे तो रेस्पिरेटरी, और थर्ड स्किन सेल, मोस्ट पार्ट कौन होता है किडनी, जो मेसोडर्म से डेवलप होती है। और इसका डेवलपमेंट, किडनी का डेवलपमेंट की बात करें तो ये 3-4 वीक के अंदर इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और 12 वीक के अंदर ये अपना काम कम्प्लीटली शुरू कर देती है लगभग, ठीक है। और ये होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अलग अलग अमाउंट इन अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज, अलग अलग गेस्टेशनल एज बेबी के अंदर कितना अमाउंट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड सीक्रेट होता है। थैंक यू टू सी।